ये धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये दंगा यात्रा थी। क्योंकि धार्मिक यात्रा में कभी कोई आदमी राइफल्स, बंदूकें, तलवार, चाकू, छुरियां लेके नहीं जाता। पुलिस ने पत्थर मारा है, ये सीसीटीवी कैमरे में दिखता है। उनके रिटेलिएशन में ये दंगा हुआ कि जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इनमें सिर्फ 4-5 जो गिरफ्तारियां हैं वो नॉन मुस्लिम्स की हुई हैं, बाकी एक तरफा गिरफ्तारियां हैं। तो जो अधिकारी इस इलीगल डेमोलिशन में शामिल हैं, उनके खिलाफ स्थानीय कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारा जो लोकल, जो हमारा हिंदू और मुसलमान हैं, उनका आपस का कोई झगड़ा नहीं था, ये बाहर के लोग थे और इनको सरकार ने प्रायोजित तरीके से वहाँ भेजा था। आज से 2 साल पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी, उसमें शुरू के दिन में अब दंगा में तलवारें, लाठी लेकर, हथियार लेकर कौन निकलता है। मेवात से 2 सरकर्दा शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, रमज़ान चौधरी और ताहिर हुसैन साहब। ये दोनों इस पूरे केस को देख रहे हैं और अभी एक फैक्ट फाइंडिंग यहाँ पर APCR के ज़रिए पेश की गई है, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है कि दंगों की क्या वजूहात रहीं, पुलिस का क्या रोल रहा, प्रशासन का क्या रोल रहा और सरकार का क्या रोल रहा। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे, कुछ सोशल वर्कर थे और एडवोकेट्स की एक टीम थी। जगह जगह जा करके लोगों से बात की है और उसकी बुनियाद पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। रमज़ान साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ आपने ग्राउंड में देखी? देखिए, जिस तरह 31 जुलाई को जो दंगा हुआ है वो एक अकस्मात घटना नहीं है, वो सोची समझी साजिश और राजनीतिक इनकम्बेंसी को लौटाने के लिए ये एक घटना हुई है, जो जिसकी कोशिश बहुत पहले से, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई थी। आज से 2 साल पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी, उसमें शुरू के दिन में अब दंगा में तलवारें, लाठी लेकर, हथियार लेकर कौन निकलता है। और चलो निकले, स्लोगन्स उन्होंने नफरत के बोले, बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो वापसी आ रहे थे आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने एक बराबर में मजा आ रहे उसको तोड़ दिया। पंचायत हुई दोनों समाजों के बीच में, चूँकि हमारे यहाँ बहुत नफरत नहीं है, तो ये एंटिसिपेट था कि इनका पिछले साल भी इन्होंने जिस तरह से हुड़दंग मचाया, हमारे प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि छोड़िएगा, माहौल ख़राब है, जाने दीजिए, दरगुजर कर दीजिएगा। लेकिन इस बार जिस तरह से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, बिट्टू बजरंगी और मोनू माने सर ने, जो वहाँ का वांछित अपराधी है, मर्डर और कत्ल केसेस का, जुनेद नासिर की जिस तरह से जघन्य हत्या हुई आप सब ने देखी, उसका वो वांछित अपराधी है, भगोड़ा है, और वारिस का वो हत्यारा है, और जो पटौदी में जो 307 का केस हुआ उसका वो वांछित अपराधी है, लेकिन वो जिस तरह से खुले हथियार लेकर घूमता है, धमकियां देता है और फिर वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और मुझे शामिल होना पड़ेगा, इससे जो है साफ नज़र आ गया था कुछ होने वाला है। तो हमने SP को रिपोर्ट किया कि इस तरह की हालात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, हमारे बच्चे भी कुछ रिएक्शन कर रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे, इस तरह की चीज़ों को हमने पुलिस को रिपोर्ट किया। तो उषा कुंडू जो उस वक्त के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों को ना इजाज़त देंगे ना ऐसी यात्रा को हम परमिशन करेंगे, उन्होंने एश्योर किया। तो हमको भी भरोसा हो गया कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह से खुद बिट्टू बजरंगी कहता है कि 150 गाड़ी उधर से निकल रही हैं, 150 गाड़ी इधर से निकल रही हैं, 2000 के आसपास में लोग तलवारों से लेस होकर, लाठी डंडों से और पत्थरों से, हथियारों से लेस होकर आए, और जिस तरह के स्लोगन्स उन्होंने शुरू किए, हालांकि एक राउंड में वो मंदिर पहुंचकर वहां से जब वापस आ रहे थे और उनको लगा कि दंगा नहीं हुआ, तो उन्होंने जो रिज्क होटल है और दूसरे बेकरीज वगैरह हैं जो मुसलमानों की, वहां आकर जो CCTV में दिखता है, उन्होंने पत्थरबाजी की है और उनको पत्थर मारा है, पुलिस ने पत्थर मारा है, ये CCTV कैमरे में दिखता है। उनके रिटेलिएशन में ये दंगा हुआ, कुछ हमारे बच्चों ने भी रिटेलिएशन किया और फिर ये दंगे की शुरुआत हुई, ये असल हालात थे। बिल्कुल असल हालात ये था, लेकिन मीडिया की अगर बात करते हैं, गोदी मीडिया की, तो पहले ही दिन से जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि मेवात के बच्चों ने, जिसमें 16-17 साल के बच्चे भी थे, कम उम्र के बच्चे भी थे, कि उनके ज़रिए दंगे की शुरुआत हुई, उन्होंने पत्थरबाजी की और उसके बाद हॉस्टेज बना लिया गया। जो हमारी नेशनल मीडिया है,
जिसको गोदी मीडिया कहते हैं लोग, उन्होंने एक तरफा रिपोर्ट की है। जबकि हकीकत यह है कि एक तो मैं साफ वाजह कर दूं कि ये दो संप्रदायों का झगड़ा नहीं था। हमारा आपस में जो हिंदू मुसलमान जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ रहता आया है, आज भी प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहा है। हमारा जो लोकल जो हमारा हिंदू और मुसलमान हैं, उनका आपस का कोई झगड़ा नहीं था। ये बाहर के लोग थे और इनको सरकार ने प्रायोजित तरीके से वहाँ भेजा था। और ये यात्रा नहीं थी, ये धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये दंगा यात्रा था। क्योंकि धार्मिक यात्रा में कभी कोई आदमी राइफल्स, बंदूकें, तलवार, चाकू, छुरियाँ लेके नहीं जाता। ये जो लोग आए, 3200 आदमियों की परमिशन थी। और जो विश्व हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष है जैन साहब, उसने ये कहा है कि करीब 25,000 आदमी इस यात्रा में आए, 3200 की परमिशन और 25,000 आदमी यात्रा में आए। और ना ये यात्रा पारंपरिक यात्रा है, ये सिर्फ 4 साल पहले यात्रा शुरू की थी इन लोगों ने। इनका मकसद ये था कि मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ एक अमन और शांति के साथ लोग रहते हैं। क्योंकि हरियाणा में 170 से ज़्यादा लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम्स हैं, और जो FIR हुई है उसमें भी मुस्लिम्स हैं। बजरंगी की बात करें, मोनू मानेसर की बात करें, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें बाकायदा हथियार चलाते हुए, और ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका लाइसेंस भी नहीं होता, उनके ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं है। तो इसको लेकर किस तरह की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस से तो आप भूल जाइए, कोर्ट में जिस तरह से बहुत शानदार फैसला परसों आया है, 2 पेज का जो फैसला है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से कलई खोल कर रख दी है पूरे सिस्टम की। अब उसमें आगे सुनवाई होनी है, 11 तारीख को फिर हेयरिंग है कोर्ट में, तो किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? एक तो बहुत साफ बात यह है कि जितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इनमें सिर्फ 4-5 जो गिरफ्तारियाँ हैं वो नॉन मुस्लिम्स की हुई हैं, बाकी एक तरफा गिरफ्तारियाँ हैं जिनमें कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं। और लोगों बच्चों को इतना टॉर्चर किया है, उनको 2-2, 3-3 तक उनको बंद करके रखा है, इलीगल रिटर्न करके नहीं, और फिर बाद में उनको पेश करके उनको जेल भेजा है। दूसरी बात यह है कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के खिलाफ हमारे एक एडवोकेट है अजीज़ अख्तर, उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी थी, ADGP को भी हमने दी, SP को भी हमने दी, और कंसर्न जो SHO उसको भी हमने दी, लेकिन उस पर उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की। हमारे जो कम्युनिटी के लोगों की जो दुकानें जलाई गई, जिन गाड़ियों में आग लगाई गई, उन्होंने जो एप्लीकेशंस दी, उन एप्लीकेशंस पर भी कोई FIR दर्ज नहीं की। ये सारा एक तरफा हुआ है और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके हुआ है। और इसको लेकर कोई कोर्ट में तैयारी कर रहे हैं आप लोग के पूरा प्रॉपर इस मामले को टैकल किया जाए कोर्ट में? क्योंकि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो फिर कोर्ट का एक रास्ता बचता है। बिल्कुल, पूरी हम लिस्ट बना रहे हैं जितने भी कंप्लेनेंट हैं, हालांकि वो डरे हुए दहशत में हैं, लेकिन उनको हम दिमागी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह से वो सामने आए। जो पुलिस का इतना खौफ डर है कि वो आ ही नहीं पा रहे, जिनकी सहारा की बिल्डिंग गिरी है लेकिन वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो लेकिन हमने उनको अब आश्वासन दिया है, भरोसा दिलवाया, और हमने कहा है कि तुमसे पहले हम जेल जाएंगे, लेकिन आइए आप। तो कुछ इंजर्ड हैं, कुछ जिनका नुकसान हुआ है वो सामने आए हैं, लिस्ट बन रही है, यकीनन हम लड़ेंगे। और जितना प्रशासन ने नुकसान किया है, जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, अभी उन्होंने जो नागपुर से एक अधिकारी हैं, उसका नाम है अजीत बालाजी जोशी, वहाँ नक्शा बिठा कर बैठा है कि और चिन्हित करके कि किन किन बिल्डिंग्स को ध्वस्त करना है। लेकिन हमने उनको भी चैलेंज दिया था कि आपको खुदा भी ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो आपके खिलाफ भी जाएंगे। और उम्मीद ये है कि जिन जो जो अधिकारी इस इल्लीगल डेमोलिशन में शामिल हैं, उनके खिलाफ स्थानीय कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पूर्ण संगठन के साथ मेवात विकास सभा, बार एसोसिएशन की आज भी मीटिंग हुई है, मेवात विकास सभा वहाँ का संगठन है, तमाम जो और हमारे साथी हैं या फैक्ट फाइंडिंग टीम है, तमाम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और हम मुआवजा भी दिलवाएंगे, और स्थानीय अधिकारियों ने, पुलिस हो या सिविल प्रशासन, उनके खिलाफ लड़ेंगे। बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र कह करके मुसलमानों की एक चिड़ बन गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चला, मध्य प्रदेश में चला, गुजरात में चला, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हरियाणा में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर सी बात है पूरे देश में मुसलमान खासतौर से सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि अब बहुत हो गया, जब तक ऐसे अधिकारियों को सज़ा नहीं मिलेगी इस पर रोक नहीं लग पाएगी।
तो उसको लेकर के आप जैसे कह रहे हैं कि लोग आगे नहीं आते, अदीप साहब ने भी ये बात यहाँ पर कही कि पहले हमने कई बार कोशिश की है कि लोग आगे आएँ, इस तरह की चीज़ों में जब तक कंप्लेनेंट ही नहीं होगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आम मुसलमानों से, क्योंकि डरा हुआ है। देखिए मैं ये कहना आज भी जब एसपी से बात हो रही थी मैंने कहा कि हमारे लोग डरे हुए हैं, आपके सामने नहीं आते, आप वकीलों को उठा लेते हैं और उनको भी आप अंदर, पिछले एक वकील को उठा लिया था साहबुद्दीन जी को, हम उसके लिए वहाँ मिलने गए तो कहने लगा आपको तो छोड़ रखा है ना, आपको तो हमने कहीं इस तरह से तो मैंने कहा मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मुझे गिरफ्तार करिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम फ्रंट पर आकर जुल्म के और जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। जो डर गया सो मर गया। हमने अब इस जुल्म जाति के खिलाफ, इस दहशत के खिलाफ, इस बिल्डोजर के खिलाफ, इन अन्यायों के साथ लड़ना पड़ेगा। और चूँकि ये तो कुछ लोग एक खास इच्छा के साथ जैसे खून के प्यासे बना दिए, लोगों में जैसे नशा होता है, नशे के बिना नहीं रहता, इसी तरह से कुछ हिंदुओं को, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, इन्होंने ऐसा बना दिया, उनकी मानसिक विकृति उनमें पैदा कर दिए कि जब तक मुसलमानों पर जाति नहीं होती, जुल्म नहीं होती, उनकी प्यास नहीं बुझती है। जब ये दंगा हुआ तो वहाँ के हिंदू संगठनों ने, वहाँ के लोगों ने कि जब फैसला करेंगे जब बिल्डोजर चलेगा, बाबा आ जाओ, बिल्डोजर आ जाओ, बाबा आ जाओ, और उनकी प्यास बुझाने के लिए, उनकी उनकी जो है उनको खुश करने के लिए जब बिल्डोजर आया तो हमने देखा कि हिंदू बच्चे निकरों में पहनकर स्कूटियों पर उन बिल्डिंगों को फोटो बनाकर खुश हो रहे थे। अगर ऐसा भारत हमारा बन रहा है, ये बच्चे सब लोकल थे वहाँ, सारे लोकल बच्चे थे और देख देख कर वीडियो बना रहे थे, बल्कि कुछ डायरेक्शन दे रहे थे कि अच्छी तरह से नहीं गिरी। लेकिन अगर ऐसा भारत, ऐसे भारत के बच्चे हमारे बना दिए जाएंगे कि दंगे को देखकर, किसी के नुकसान को देखकर, इंसानियत को कत्ल होता हुआ देखकर अगर वो खुश होते हैं और वीडियो बनाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, मैं समझता हूँ कि इंसान की कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे भारत को बनाने से हमें रोकना होगा। शुक्रिया रमज़ान साहब बात करने के लिए। जिस तरह से दोनों एडवोकेट्स हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आगे आना होगा, तभी इस तरह के जुल्म पर पाबंदी लगाई जा सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।